अगला दिन हो गया जी, एज यूजुअल वॉलमार्ट की पार्किंग में गाड़ी लगा रखी है। पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी पार्किंग है, मगर सारी पार्किंग ऑलमोस्ट फुल है। रात को तो लगभग ये खाली थी। पहले मैंने रात को उसको लगाया था वहाँ पीछे, वहाँ पे जगह थोड़ी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे ट्रक आगे खड़ा हो गया। कोई ट्रक वाला बंदा ट्रक में सो गया। अब उसका ट्रक ऐसा था जिसमें शायद वेजिटेबल्स वगैरह पड़े होंगे, तो वो अपना पूरा फुल उसका जनरेटर ऑन रहे रात भर, क्योंकि उसको अपने भाई सब्जियाँ ताज़ी रखनी है। तो उसमें इतनी ज़्यादा उसकी नॉइज़ थी और वाइब्रेशन थी कि रात को हमारी नींद ख़राब हो गई। फिर मैं उठ के यहाँ आया कि आपके साथ कोई ट्रक सो रहा हो, चल रहा हो, इंजन ऑन, तो आपको कहाँ से नींद आएगी। तो हम इस तरफ आ गए, यहाँ पर ठीक था, तो फिर सो गए रात को। और अब बस निकलना, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है कि भाई आप वॉलमार्ट की पार्किंग में लगाएंगे तो आगे पीछे जो लोग आएंगे, गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, रात को जाएंगे, और अगर कैसे पर्टिकुलरली हाईवे के पास है तो थोड़ा नॉइज़ रहता है, क्योंकि ये घर की तरह शांत नहीं होता, पतली दीवारें हैं इसकी मोटर होम की, तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। चलो बेबी। काफ़ी सारे कैंपर्स जो हैं रात को लगा के खड़े हुए थे, हर साइज़ के हैं। वो एक छोटा वाला भी खड़ा आ गया वैन टाइप। चलो ना, हमने आज छोड़ना है तो हम जा रहे हैं यहाँ पे एक बड़ी सुंदर सी, कहते हैं माउंटेन पीक है, जहाँ से शहर नज़र आता है। कल हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स मिलने आ गए थे, क्योंकि पता ही होता है सबको कि हम वॉलमार्ट के बाहर खड़े हैं, तो उन्होंने बताया कि आप वहाँ पे जाना, तो हमने सोचा खिलौना छोड़ने से पहले वहाँ गेड़ी मारते हुए जाएंगे। तीन भाई आए थे कल मिलने शाम से। Maybe it is a toilet paper factory. No, timber. See? Yeah, usually they do more than one thing. Yeah. The first time I see one. Wood processing plant? Yes. Usually they're more like remote. Yeah, like. To the highway. Yeah, more in the forest area. You're right. Look at the view. अरे यार एंट्री बंद है, नज़ारे बड़े अच्छे होते हैं मगर बंद है, क्या करें। अब देखो जी, हम ऊपर से आके नज़ारा नहीं देख सकते और रील नहीं बना सकते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपको नहीं दिखा सकते। टेक्नोलॉजी की मदद से असी हूँ ड्रोन डाले ने हैं और आपको जो है केलोना का एक एरियल व्यू दिखाते हैं जो ऊपर से नज़र आता है। जो पहाड़ी है वहाँ से जब मैंने घुमाया तो देखा कि सामने आहा क्या बढ़िया लेक का व्यू आता है। आज वो जो माउंटेन है उस पर स्नो पड़ी हुई है, थोड़ा सा एक कोई मेरे ख्याल से कारखाना था और बाकी फिर दो चार ही बिल्डिंग है डाउनटाउन के अंदर, और नज़ारे मतलब ऊपर से देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे। काश हम भी देख पाते वहाँ से रियल टाइम में, बट हमने भी उतना ही देखा जितना आप लोगों ने देखा आज इस वीडियो में। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए हैं जी, वैसे वैसे झीलें जमनी शुरू हो गई हैं। ये पहले क्योंकि अब हम थोड़ा सा और नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं कैमलूप्स की डायरेक्शन में, बट रास्ते में एक और शहर आएगा, फिलहाल पहले वहाँ पर रुकेंगे, मगर जा रहे तब पैसा भी यहाँ से बड़े कैड़े हैं। अब जी शूटिंग वूटिंग सारी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट, इसीलिए मैंने जो है मामूल के मुताबिक गाड़ी पकड़ ली है, अब चला के सीधा लगा देनी है हमने वेरोना। अभी आपने देखा नहीं जी गाड़ी रुकी हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे रूल है कि अगर इमरजेंसी लेन में कोई गाड़ी रुकी हो और आप गाड़ी में जा रहे हो तो आपको लेन चेंज करके उससे डिस्टेंस से गाड़ी निकालनी पड़ती है, कि बाय चांस कोई इमरजेंसी हो, दरवाजा खोलना हो या कुछ भी। feeling,
अगले दिन की शुरुआत होगी जी। मैं जिस शहर को वेरोन बोल गया था कल गलती से, पता नहीं शायद इसका नाम वेरनॉन है, VERNON, और अब हम बस यहाँ से निकल रहे हैं। वॉलमार्ट पे ही गाड़ी लगाई थी, एज यू नो रात को हम पैसे बजाते हैं, हमारी दो रातें हो गई हैं, आज हमें कैंप ग्राउंड में जाना पड़ेगा। ज़रूर नहीं हम के वहाँ सोएं, $5-10 दे के आप टैंक खाली और अपना पानी जो है रिफिल कर सकते हैं, तो इसलिए हो सकता है आज हम वो ऑप्शन लें, बट फिलहाल निकलने का टाइम है। हाँ जी, फाइनली वहाँ पे खड़ा करके मोटर होम हम पहुँच गए हैं कलमलाका लेक। कलमलाका कलमलाका कलम सॉरी नाम हमें एग्जैक्टली पता नहीं। क्याल क्याल शॉर्ट वर्जन क्याल लेक क्याल बीच। ओके, तो ये बीच जो है यहाँ पे बनी हुई है, अभी बीच के ऊपर पूरी स्नो पड़ी हुई है, ऑब्वियसली इस मौसम में कौन आएगा नहाने के लिए। बतके शत के तैयारी है या पीर है जिसके ऊपर हम आगे थोड़ी स्टोरियाँ बनाने के लिए, मगर इतनी आइस है, मेरे पास तो विंटर शूज़ है ही नहीं, मैं पापा वाले थे वो घर छोड़ा है यहाँ पे लेने का, हमें टाइम ही नहीं मिला, आप जाएंगे लेंगे। सैंड्रा के पास है मगर ये पूरा फिसल रही है, एंड यू आर ऑलरेडी फॉलन वंस, एक बार फिसल चुकी है ये, पूरे धाम करके गिरी है रील बनाते हुए, क्योंकि मैडम को था मेरी इंस्टाग्राम की रील बन रही है तो मैं नीचे नहीं देख के चलूंगी, आई विल नॉट लुक ऑन द फ्लोर, धाम, विल यू पुट दैट ऑन इंस्टाग्राम, यू आर फॉलिंग ऑफ कोर्स एज अ ब्लूपर, एज अ ब्लूपर। ओके, मैडम के इंस्टाग्राम पे आपको ब्लूपर दिख जाएगा जिसमें मैडम चलते चलते सीधा फडाम करके गिरी है कि बर्फ पे लोग कैसे फिसलते हैं। बट आई एम ओके, आई एम ओके, यस यस, आई नो, आई नो, शी वाज फाइन, मतलब मेरे तो चीख निकल गई मुंह से, ओह माय गॉड, बट ये उठ गई तो मेरे को बड़ा आराम आ गया, शुक्र किया भगवान का, बट बहुत ध्यान से इसके ऊपर चलना पड़ता है, नज़ारा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी फोटोज वगैरह हम ले लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू कैंप। ओके, ये देखो जी कनेडियन मैडम हमें ट्रेनिंग दे रही है कि चलना कैसे है। या यू सॉफ्ट नहीं, ओके, like how you shoot with the camera stabilized, exactly, okay, and the arm movement are optional but they help for mental health. काम घूम सारे छोड़ के बीच में हमें लग गया 1-1.5 घंटा ही कोई बार फोटोज वगैरह, पहले लोग अलग अलग एंगल से, कभी मैडम को पसंद नहीं आती, कभी मुझे नहीं आती, कभी ये वाला ऐसे रील का एंगल वैसे, फिर हमने ड्रोन से सोचा कि हम दोनों को तो कपल शॉट आई नहीं थे क्योंकि कोई कैमरा मैन तो है ही नहीं हमारे पास, ड्रोन को शॉट लिए तो उसके बाद हाथों की ऐसी बुरी हालत हो गई कि बस अब तो बटन भी नहीं पकड़े जा रहे थे, तो मैंने कहा बेटा अंदर चलो गर्म होके आएंगे अच्छे से, उसके बाद फिर जाएंगे दोबारा। तो हम इस बार ना टेक इट स्लो ही कर रहे हैं कि हमने बहुत सारे शहर नहीं देखने, जितने देखने वो तसल्ली से देखेंगे, ईजी कम्फर्टेबल वीडियोज़ बनाएंगे, अच्छा अच्छा रुक के ड्रोन शॉट्स भी लेंगे, एंड वी विल कीप इट मोर लाइक ईजी, क्योंकि इसके बाद हमने जब मोटर होम वापस कर देंगे देन वी विल गेट अ चांस ऑफ डूइंग सम एक्टिविटीज विच मैडम हैज़ बीन इंसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट आई स्टिल हैवंट प्रोमिस्ड एंड आई विल नॉट टेल यू व्हाट द एक्टिविटी इज, बट या बिकॉज देन आई विल हैव प्रेशर टू डू इट, सो यू Not like I said yes to you, but I don't want to commit to so many people. Maybe I chicken out. Who knows? I think people can guess it. अब जी दो रातें हम मैक्सिमम इसमें काट सकते हैं कि भैया इसके टैंक फुल हो जाए, प्रोपेन खाली होने लग जाती है, तो इसलिए दो रातें हो चुकी हैं, अब हम जा रहे हैं कैंप ग्राउंड, मगर हम इस कैंप ग्राउंड में रुकेंगे नहीं रात को, हम सिर्फ टैंक खाली करने जाने का हमारा विचार है कि पैसे पूसे बचा लें।
And we're closed for the season. Oh, we were wondering if you do, if you have a propane filling station and a dumping station. No, they're both closed. The dumping station's at Kin Racetrack, K-I-N Racetrack. That's in Vernon. It's free. Oh, perfect. Ours are closed for the winter. And propane station, the cheapest propane you're going to find is at a gas station called Syntex. Awesome. Thank you so much, sir, for the information. You bet. Have a good day. Thank you. There is the RV dumping sign. They are there on that pole. You see? उन कैंपग्राउंड वाले भाई साहब ने मैं बताया था कि यहाँ चले जाओ रेस कोर्स पे, यहाँ मिल जाएगा आपको, मगर ये भी विंटर के लिए क्लोज है, यहाँ भी नहीं जा सकते। अब किसी ने हमें ये बताया कि ये जो स्टोर है सुपर स्टोर, ये भी बड़ा फेमस ब्रांड है, पीसी इनका ही है, कहते हैं इसकी बैक साइड पे मिलेगा आपको। अब पता नहीं, चेक ही करना पड़ेगा, देखते हैं। सैनी डंप, यहाँ पे हम खाली करेंगे अपने टैंक। और ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ओवरनाइट पार्किंग लिमिटेड टू वन नाइट, यानी कि ये जो रियल कैनेडियन सुपर स्टोर है, यहाँ पे भी गाड़ी वॉलमार्ट की तरह खड़ी हो सकती है अगर रात काटनी हो। हमने आगे कैमलूप्स की तरफ निकलना है, हमें पहले पता होता हम यहीं आ जाते वॉलमार्ट की जगह, बट चलिए आगे के लिए पता लग गया। व्हाट, यू नीड टू रिवर्स? नो प्रॉब्लम, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ स्पेस। इधर है ना सारा डंपिंग। मैडम तो खुले जगह में ज्यादा ही फ्री हो गया, लंबे लंबे घुमा रही है एकदम फुल स्पीड। यार तो कोई ग्लव्स भी छोड़ गया अपने। ओके, फ्री में खाली हो गया जी टैंक, कोई खर्चा नहीं। भाई देखो जी, इसको बार बार हाथ लगता ही है ना, तो इसलिए इसको अंदर डालने से पहले भी हैंड सैनिटाइजर मार के अच्छे से डिसइंफेक्ट करके रखता हूँ मैं, ताकि कोई स्यापा कलेश ना। The good thing about less pressure though is that we don't have to hold it. Yeah, now it can stay. क्योंकि प्रेशर बहुत तेज होता है, पीछे की तरफ आता है प्रेशर कम, मैं अपना पढ़ता रहा। फाइनली जी पहुंच गए और आए हैं प्रोपेन भरवाने के लिए, क्योंकि प्रोपेन भी ऑलमोस्ट खत्म है, वो लेट लगा हुआ 12.4। मैडम गई हैं पूछने के लिए, और एक चीज वो लोग देखी, यहाँ पे गैस भरने वाले भाई साहब हैं। ओके, इशारा हो गया, चलो। फाइनली जी प्रोपेन अपनी भर गई है और पेट्रोल इसके अंदर भर रहा है। मैंने सोचा दोनों चीज़ें एक टाइम पे नहीं भरवाता, क्योंकि थोड़ा सा सेफ्टी का भी होता है ना, प्रोपेन भराते टाइम इसकी बैटरी वगैरह की सप्लाई सारी की सारी कट करनी होती है, ताकि कोई भी बीच में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो ऑन ना रह जाए, सारी चीज़ें बंद हो। बस जी यहाँ से अब मैं बार बार क्या ही डिटेल बताऊँ, प्राइस और ढींग प्लान, तो इसलिए वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं। अब रात हो गई है पहुँचते पहुँचते, तो कल शूट करेंगे कैमलूप्स और फिर जाएंगे आगे कुछ एक्टिविटीज़ के मज़े लेने के लिए। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर